नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। हावड़ा में फिर हालात बेकाबू। घरों पर पथराव होने के बाद आरएएफ ने संभाला मोर्चा। आसपास के हिंदू घरों को बनाया गया था टारगेट। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसके प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया है। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने दावा किया कि दिल्ली में नया संसद भवन पैसे की बर्बादी है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये पीएम मोदी की निजी महत्वाकांक्षा का प्रोजेक्ट है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुदलिगी से भाजपा विधायक एनवाई गोपाल कृष्णन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। गोपाल कृष्ण ने स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेड़ी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर को रूस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है। बता दें कि बीते दिन रूस में काम कर रहे WSJ के रिपोर्टर इवान गोर्स्कोविच को जासूसी के आरोप में रूसी खुफिया एजेंसी FSB ने गिरफ्तार कर लिया था। अब रूस के इस कदम की अमेरिका ने कड़े शब्दों में निंदा की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरे खिलाफ एक शब्द बोलकर दिखाए, अगले दिन मैं उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि ED और CBI ने देश के सभी भ्रष्ट लोगों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया है। इंदौर के मंदिर में बावड़ी की छत गिरने से अब तक 35 लोगों की जान चली गई है। रामनवमी के दिन मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था, जिस कारण कॉलोनी और हॉस्टल की बचिया महिलाएं अधिक संख्या में मंदिर पहुंची थी। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 6 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि ये लोग रात में गद्दे पर मोर्टिन जलाकर सो गए थे, जिस कारण गद्दे ने आग पकड़ ली और दम घुटने के कारण 6 लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु की एक अदालत ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है। मनीष कश्यप पर प्रवासी मजदूरों की पिटाई को लेकर वीडियो शेयर करने का आरोप है। कानपुर के बांस मंडी स्थित रेडीमेड कपड़ा मार्केट में लगी आग को 12 घंटे हो चुके हैं। करीब 55 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है। इसके बाद भी आग धधक रही है और माना जा रहा है कि 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया है। बिहार बोर्ड के 16 लाख परीक्षार्थियों का आखिरकार आज इंतजार खत्म हुआ। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार शेखपुरा से रोमान अशरफ टॉपर बने। वहीं 90 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में जगह बनाई। टॉप 10 में 46 लड़कों का कब्जा रहा। अमृतपाल सिंह मामले में सिख नौजवानों की रिहाई की मांग को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निकाला पैदल मार्च। हरियाणा में जूनियर महिला कोच मामले में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए जाने पर जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान मंत्री संदीप सिंह की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से समय मांगा गया। नियुक्ति और खरीदारी के घपले के आरोपों से घिरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में बीते वर्ष फरवरी में CBI की टीम ने छापा मारा था। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को फिर यहां पर चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में आवश्यक पूछताछ किया गया है। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाला जामतारा से विधायक डॉक्टर इरफान हुआ बरी। कहा PM नहीं ललित व नीरव मोदी को कहा था चोर। बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए देगी छत्तीसगढ़ सरकार। 1 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन। हिमाचल की जनता को लगा बिजली का झटका। 22 पैसे प्रति यूनिट में हुई बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति छोड़ने की खबरों को किया खारिज। कहा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगाने पर 8 लोग किए गए गिरफ्तार। आपने भाजपा पर साधा निशाना। 2 करोड़ घूस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने SP दिव्या मित्तल को दी राहत। मिली जमानत मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत दी गई है। ACB ने 16 जनवरी को दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। उन पर प्रतिबंधित दवाओं के मामले में जांच में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है।
केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में स्नातक योग्यता वाले रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना 1 अप्रैल को जारी की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन करने वाले कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। एक रिसर्च के अनुसार त्वचा के साथ साथ शरीर के लिए काफी फायदेमंद है अनार का जूस। अनार के जूस के सेवन से आपकी त्वचा सूर्य की यूवी किरणों से बचती है, क्योंकि यह त्वचा में जहरीले यौगिकों के उत्पादन को रोकने में मदद करता है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर आपने मोबाइल न्यूज 24 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।